सुल्तानपुर में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को चेक करने बाइक से सादी वर्सी में अकेले ही निकले पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा। लॉकडाउन में पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी की कर रहे थे जांच। डाकखाने चौराहे पर उनकी बाइक को वहां खड़ा देख दीवान विवेक वांडे ने रोक लिया। लॉकडाउन में भी सड़क पर बाइक से घूमने का पूछा कारण दीवान द्वारा लगातार उनको लॉकडाउन के बारे में समझाने पर खुश हुए पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपना परिचय देते हुए नगद पुरस्कार से किया सम्मानित। डाकखाने चौराहे पर पहुंचा तो हमारे लगभग 8 पुलिस कर्मचारी वहाँ लगे हुए थे, जिसमें 2 ने मुझे रोकने का प्रयास किया। जब मैं नहीं रुका तो थोड़ा कठोर शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई आप रुक नहीं रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। तो निश्चित रूप से उनकी ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन था। सुल्तानपुर में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर नगर प्रशासन है सख्त। लगातार लाउडस्पीकर से किया जा रहा है जिलेवासियों को सचेत। नगर में इधर उधर घूम रहे लोगों के ऊपर पुलिस हुई सख्त। घर से न निकलने के लिए नगर पुलिस कर रही है सचेत। सुल्तानपुर में 850 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर बरौसा चौकी प्रभारी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव की टीम द्वारा मांडा चंदनपुर बाग से की गई अभियुक्त की गिरफ्तारी। मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। अमेठी जिले सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ बड़ा फेरबदल। अमेठी जिले की पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग का हुआ तबादला। दिनेश सिंह बने अमेठी के नए पुलिस अधीक्षक। अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना के ग्राम दादरा के वीरेंद्र सिंह कारगिल में युद्ध करते हुए हुए थे शहीद। परिजनों ने कहा गेट का निर्माण तो कराया गया है लेकिन उस पर नहीं दिया गया ध्यान। गांव में सड़क काफी समय से है खराब। प्रशासन से गांव पर ध्यान दिए जाने की ग्रामीणों ने की अपील। हमारे गांव की सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में है। हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि कम से कम हमारे गांव की का आवागमन का मार्ग दुरुस्त कराया जाए। सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज अंतर्गत उगड़पुर चौराहे पर चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर। बीती रात पिकअप में सवार होकर आए थे चोर। आराध्या मोबाइल शॉप की दुकान के पीछे सेंध लगाकर कर रहे थे चोरी। ग्रामीणों ने सूचना पर तुरंत आकर एक चोर दबोचा किया पुलिस के हवाले। चोर का एक अन्य साथी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। शेष की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में नाग पंचमी के त्योहार के उपलक्ष्य में हुआ दंगल का कार्यक्रम। एक पक्ष की जीत की खुशी में हुई हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग में 24 वर्षीय युवक के हाथ में लगी गोली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएससी मुसाफिरखाना में कराया भर्ती। युवक की स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने किया जिला अस्पताल रेफर। मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के महेशपुर गाँव की है घटना। सुल्तानपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बन्ना टिकरी गांव में पूरे परिवार की निर्मम रूप से पिटाई का मामला आया सामने। पड़ोसी व उनके अन्य साथियों को घर के सामने शराब पीने से मना करने पर की गई बुरी तरह पिटाई। परिवार को दी गई जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने पुलिस से उचित कार्यवाही की मांग की। सच्चाई वही जो हम बताएं।